प्यार की कसक। रूही को अरमान से, अरमान को अभीरा से, अभीरा को अरमान से प्यार है। इस लव ट्रायंगल में है काफी सारे गोलमाल। स्टॉपलेस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में रिश्तों की उलझने जारी है। भाई अभीरा के अरमान से प्यार का इजहार करने के बाद अरमान अपने होश में ही नहीं है, भाई वो तो अभीरा के ख्यालों में खोया हुआ है। वैसे अरमान को भी अभीरा से प्यार है, लेकिन अब तक उसे एहसास नहीं हुआ है। लेकिन लगता है कि अरमान को एहसास हो गया है, तभी तो वो अपने दिल की बात कहते कहते रह गया। तो वहां दूसरी तरफ रूही भी कर रही है अरमान से अपने प्यार का इजहार। लेकिन वहां रूही पहुंच गई है अरमान से आई लव यू कहने, लेकिन अरमान तो अभीरा के ख्यालों में है। जगह अरमान की एक स्पेशल जगह है जहाँ पे रूही भी अरमान के पीछे पीछे आ जाती है, उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती है रूही इसलिए। एंड ऐसे में रूही उसे कुछ प्यार से कुछ बोलती है कुछ चीज़ें, एंड देन यू नो उसे वो रिएक्शन या वो रिस्पांस जो वो चाहती है या जो कोई भी दुल्हन चाहेगी अपने पति से, दैट अफेक्शन वो नहीं मिलता है। तो आई थिंक वो थोड़ी पिस ऑफ हो जाती है, थोड़ा सा उसको गुस्सा आ जाता है या बुरा लग जाता है एक्चुअली कि यार शादी होने वाली है, यू कांट इवन से आई लव यू टू मी, वैसी वाली बात हो गई है। एंड देन साइड में अभीरा का भी चल रहा है, उसे भी बुरा लग रहा है। एंड अब रूही डजंट नो कि अभीरा यहाँ पे है, बट अरमान अभीरा को देख लेते हैं। तो काफ़ी सारे डायनामिक्स हैं अभी इस लव ट्रायंगल में, एंड काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, काफ़ी क्विकली बदल रही हैं, एंड ऑडियंस इन्जॉय कर रही है, सो दैट्स नाइस। कन्फ्यूजन एट सम पॉइंट अरमान ऐसे बोलता है कि रूही से शादी करने का डिसीजन बेस्ट डिसीजन है, मैं बहुत खुश हूँ रूही, ऐसा बोलता है। एंड देन खुशी दिखती नहीं है, पर तो वो उसके वर्ड्स पे जाए कि उसकी शक्ल पे जाए कि एक्शंस पे जाए, वैसा कुछ कश्मकश में रूही फंसी हुई है। क्लैरिटी, आई थिंक शी लैक्स क्लैरिटी, एंड ऑल्सो वेन यू रियली वॉन्ट समथिंग तुम पीछे पागलों की तरह किसी चीज़ के पड़ जाओ तो तुम्हें वैसी थोड़ी आधी सच्चाई दिखनी बंद हो जाती है, यू ब्लाइंडेड इन लव वाला सीन है, तो वैसा भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, लॉट्स ऑफ लेयर्स टू इट। बट सी, लेट्स सी अब क्या होता है, अब जब अरमान को रियलाइज हो जाएगा क्या वो रूही को बताएगा नहीं बताएगा, क्या होगा। तो भाई अब देखना होगा प्यार के इस त्रिकोण में आखिरकार कौन किससे करता है इजहार और किसकी होती है शादी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमें फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटियां।